फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मोंजरेला चीज, जिसे आप पिज्जा चीज भी कह सकते हैं। ये नॉर्मली हम पिज्जा में यूज करते हैं और इसके अलावा हम इसे ब्रेड की स्टफिंग में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आज ये पिज्जा चीज हम बिना रेनेट सोल्यूशन के बनाएंगे। इस पिज्जा चीज का टेस्ट बिल्कुल मार्केट के जैसे पिज्जा चीज के जैसे ही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो मार्केट का पिज्जा चीज होता है वो मुड़ जाता है, किसी भी शेप में मुड़ जाता है, लेकिन ये चीज सिर्फ मुड़ेगा नहीं, बाकी इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल मार्केट के पिज्जा चीज यानी मोजरेला चीज के जैसा ही होगा। आज हम इस चीज को रेनेट सोल्यूशन के बगैर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रेनेट सोल्यूशन हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है। मार्केट में बहुत ही रेयरली ये मिलता है और ज़्यादातर जगहों पर तो ये नहीं ही मिलता है, बहुत रेयर जगह होती है जहाँ पर ये मिलता है। तो मार्केट के धक्के खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये चीज़ मार्केट से ख़रीदनी है तो वो महंगी भी बहुत पड़ती है। तो अच्छा ये होगा कि आज हम पिज़्ज़ा चीज़ को घर में ही बनाएं। ये मार्केट से हेल्दी भी होगा और टेस्ट इसका बिल्कुल मार्केट की चीज जैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इसे बनाना। और ये चीज़ जब आप पिज़्ज़ा पर डालेंगे तो बिल्कुल प्रॉपरली ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा में बिल्कुल घुल जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा इससे पिज़्ज़ा। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चीज़ ज़रूर बनाइएगा घर पर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, पिज़्ज़ा चीज़ बनाने की ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम पिज़्ज़ा चीज़ बनाना। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए मैंने पनीर लिया हुआ है। पनीर को मैंने घर पर ही निकाला है दूध फाड़कर। इसकी रेसिपी मैंने पहले से ही अपने चैनल पर डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। इसे मैंने विनेगर से फाड़ के निकाला है। अगर आप चाहें तो नींबू से भी पनीर को फाड़कर बना सकते हैं, लेकिन विनेगर से अगर आप पनीर बनाएंगे तो वो ज़्यादा स्मूथ बनेगा। इसके साथ में हमने लिया है 3 बड़े चम्मच देसी घी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट है मोज़रेला चीज़ बनाने में। और इसके साथ में हमें चाहिए होगा थोड़ा सा नमक, लगभग 2 पिंच नमक और 1 पिंच हल्दी। हल्दी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, हम कलर अच्छा लाने के लिए हल्दी डाल रहे हैं ताकि हमारा मोज़रेला चीज़ मार्केट के जैसा ही दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है पनीर को, इस तरह से तोड़कर पनीर को हमने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ में हम बाकी के सामान भी डाल देंगे इसमें, जैसे कि मैंने इसमें अब डाला हल्दी, ये हल्दी इसे मैं डाल दूंगी इसमें। और इसके साथ में हमें डाल देना है नमक, तो ये हल्दी इसमें डल गई। तो अब हम इसमें डालते हैं नमक और साथ में डाल देंगे हम इसमें देसी घी। देसी घी डाला बहुत ज़रूरी होता है मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए, तभी चीज़ बन पाएगा वरना नहीं बन पाएगा। अब हमें इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए जो पनीर हमें चाहिए होगा वो आप घर पर ही बनाइएगा दूध फाड़कर। अगर आप मार्केट से पनीर लेकर आएंगे तो उससे चीज़ नहीं अच्छा बन पाएगा, क्योंकि इसमें मार्केट की चीज़ में जो हलवाई होते हैं वो जनरली अरारोट डाल देते हैं और तो इससे मोज़रेला चीज़ का टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते होंगे फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है हमारी चीज़ को। तो इसे हम अच्छी तरह से असेंबल कर लेंगे और एक दूसरे बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है प्लास्टिक की, इसमें मैंने इसे डाल दिया। अगर आप चाहें तो कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके अंदर से पॉलीथीन लगाकर तब आप चीज़ डालिए तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ को अच्छी तरह से इसमें सेट कर दिया है और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ढककर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे के बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया, इसे ढककर हमने फ्रिज के अंदर रखा था। तो अब हम इसे चाकू से साइड से इस तरह से स्क्रैच कर देंगे ताकि आसानी से निकल आए इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर बिल्कुल अच्छी तरह से निकल कर बाहर आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसे थोड़ा सा क्रश करके दिखाती हूँ।
कद्दूकस में। ये बिल्कुल मोज़रेला चीज जैसा ही, मार्केट की चीज जैसा ही बनता है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। और जब ये कुक हो जाता है तो उसी तरह से ये स्टिकी भी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए, आप देख सकते होंगे फ्रेंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय।